नगर सीट से जहां राजेंद्र राठौर 4642 वोट से पीछे चल रहे हैं। तारानगर सीट से ये बड़ा अपडेट है, राजेंद्र राठौर 4642 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कई सीट बदलना अगर ऐसा ही परिणाम रहा तो ये बड़ा भारी पड़ सकता है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन की तस्वीर है और वहां पर देखिए भगवा वह नजर आ रहा है पूरा राजस्थान। ये रुझानों में जैसे कि अपडेट हम कर रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी समझिए। एक और बड़ी खबर, टोंक विधानसभा सीट को लेकर मतगणना अभी भी जारी है। कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, सचिन पायलट लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी रही, टेंशन बढ़ी, लेकिन चौथे राउंड में 2800 से भी ज्यादा मतों से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। टोंक विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्रों की अब ईवीएम खुल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कितना प्यार दिया होगा सचिन पायलट को, ये अब देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, सचिन पायलट अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। और स्पीच, एक और बड़ी खबर, विधानसभा डी कुम्हेर जहां से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह छठे राउंड में 3506 वोटों से आगे, नदबई से चौथे राउंड में जगत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं, जोगिंदर सिंह अवाना यहां से पीछे हैं, विश्वेंद्र सिंह छठे राउंड में 3506 वोटों से आगे चल रहे हैं डी कुम्हेर सीट से। तो नदबई से जगत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए, चौथे राउंड में भी जगत सिंह आगे हैं। डी कुम्हेर और नदबई दोनों ही अहम सीट। खैर श्वेता, अभी तो ये रुझान चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो साइट निकल कर आई है, रुझानों के जरिए पूरा भगवा कर दिया गया मैं। और एक बार तारानगर की अगर हम बात करें तो अभी दो राउंड की जो काउंटिंग है वो हुई है। यहाँ पे नरेंद्र बुरानिया को 13,070 वोट मिले हैं और राजेंद्र राठौड़ को 9,050 वोट मिले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, छठे राउंड में वाजिब अली 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अभी तस्वीर देखते हैं कि 15,000 वोटों से आगे या 15,000 वोट मिले। हालांकि छठे राउंड में वाजिब अली आगे चल रहे हैं 15,000 वोटों से आगे। वाजिब अली नगर सीट का ये रुझान, नगर सीट जहां पर काउंटिंग जारी है, बताए जा रहे छठे राउंड में वाजिब अली 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा दें, क्योंकि अलग अलग संभागवार भी जिस तरह से तस्वीरें साफ हो रही हैं। और अगर नगर सीट की बात करें, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, नवलगढ़ में चार राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी उनका प्रत्याशी आगे विक्रम सिंह जाकल 1258 मतों से आगे चल रहा है और भाजपा को 18,270 वोट मिले हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन पहली बार संकट में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये रुझान है और जिस तरह के इनपुट्स है वहाँ से, ऐसा लगता है काफी करीबी मुकाबला होगा। और जिस